हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी इवनिंग के 5 बज रहे और हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए। देखिए, बैग वैग सारा रेडी कर लिए जा रहे, टिफिन उफिन भी पहले ही पैक कर लिए थे। जस्ट अभी नहा के निकलना है क्योंकि यहाँ से मैंगलोर जाना है। मैंगलोर से हम लोग को एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस। सैटरडे आज नाइट 11 o'clock को खुलेगा डबल। तो फिर ऑटो आ गया। हम लोग का लगेज सब अभी लेके जा रहे, मम्मी जा रहे स्टेशन छोड़ने के लिए हम लोग को। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, 1 week कैसे पार हुआ हम लोग को पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं। अभी जाने का भी मन नहीं हम लोग को, फिर भी जा रहे हैं। और देखिए ऑटो आ गया तो रिसेप पर दौड़ने लगा ली। ये बड़ा ट्रोली लेके चले, हम लेके चलते हैं। अभी जाएंगे यहाँ से सेनापुर जंक्शन, सेनापुर से फिर हम लोग एक्सप्रेस है मंगलोर के लिए, मंगलोर जाएंगे। हटोरी साहब जल्दी भागो, हिंदी आते है वो लोगों को, हम रिक्शे को हिंदी आते है अपना बाइक को। उठो बेटा, उधर नहीं आते, उठो बेटा, ऋषभ भागो, ऋषभ भाग इधर। अब आप बहुत भारी है, पानी इतना है भारी, ये सब पानी है। 2 bottles पानी है, 1 bottle जूस है, और छोटे 2 bottles जूस है, 2 bottles जूस थे, एक जूस उधर है, हाँ उधर है, हाँ पानी का ही जगह नहीं है। 2 bottle 3 days में कम पड़ जाता, पानी बाद में खरीदना पड़ता है, इसलिए आइस कर लेते कि कोल्ड रहता है ना तो पीते रहते हैं। आ ही जाएगा था ट्रेन का कोई ठिकाना वही है, हम लोग जाना चाहिए। हाँ टैक्सी को, टैक्सी में हम लोग जा रहे स्टेशन सेनापुर स्टेशन। तो हम लोग इस वक्त ऑटो में हैं, मम्मी भी है, ऋषभ है, शोभा है, सब साथ में। छोटा वाला पर्स इस वक्त हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं। ये स्टेशन, मम्मी कुछ अंकल है, हाँ भाई जी पकड़ो, हाँ हाँ स्कूल जाता है अभी 2 साल का। पापा जी ऋषभ दादी को बाय बोल दो, मीठी दे दो, मीठी दे दो गो। मिठी दे दो गो, फ्लाइंग किस दे दो दादी को, एगो गो मिठू दे दो, मिठी दो दादी जा रहे, मुठू दे दो बेटा, पकड़ के पकड़ के प्यार करके। चलो बाय बोल, बाय शोभा, हाँ बाय मम्मी, बाय अच्छे से। हाँ अब आते रहेंगे, हाँ हाँ जरूर, जैसे बाय बोल दो दादी को बेटा, दादी जा रहे, बाय बाय, अच्छे से जाइएगा मम्मी। फ्रेंड्स
से देखिए हम लोग का सेनापुर जंक्शन से ट्रेन खुल चुका है, हम लोग चढ़ गए जल्दी। एक अंकल हेल्प किया, सामान सब चढ़ा लिए, सब सामान सब ले लिए। और ट्रेन भी लोकल है लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं है, खाली है। अब हम लोग सीधा अभी मैंगलोर जंक्शन जाएंगे। मैंगलोर जंक्शन से 11 बजे, 11:15 बजे हम लोग को ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, वहाँ से फिर एक्सप्रेस लेना होगा हम लोग को। देख सकते हैं ट्रेन थोड़ा खाली है, सीट भी मिली है हम लोग खाली। देखिए ट्रेन खुली है, जस्ट 2 ही मिनट रुके, ट्रेन अब खुली है। देखिए बाहर का नज़ारा, यकीन नहीं हो रहा है एक हफ्ता रह के जा रहा है, इतना अच्छा लगा यहाँ पे। 1 वीक कैसे पार हुआ पता नहीं चला। तो फाइनली फ्रेंड्स ये देखिए अभी 11 बज रहा, ट्रेन हम लोग का खुल गया यहाँ से मैंगलोर सेंट्रल से। ये देखिए अभी ट्रेन धीरे धीरे चल रहा बहुत, और अभी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, अभी तो बहुत स्पेस है इधर उधर। वॉशरूम भी ठीक है अभी, लेकिन अभी जैसे ऐसे दिन अभी रात पार होगा, दिन होगा पूरा भीड़ हो जाएगा, यहाँ पैर रखना भी मुश्किल हो जाएगा, वॉशरूम भी बहुत गंदा हो जाएगा। अभी तो बहुत ज़्यादा खाली है, अभी बहुत भी नहीं चला है। हम लोग का फर्स्ट स्टॉपेज ही था इसलिए हम लोग चले, खाना वाना खाली खाली रहा। अभी ट्रेन फिलहाल स्टार्ट हो गया, यहाँ रिसप भी सो गया है। एक ही सीट है हम लोग का, एक RAC विवेक एक्सप्रेस सांतरागाछी टू, नहीं मैंगलोर टू सांतरागाछी 22852 जाने का और आने का 22851। अभी 11 o'clock हो गया, ट्रेन खुल गया, तो अभी हम लोग रिसप सो गया है, खाना भी हम लोग खा लिए, अभी सो जाएंगे क्योंकि सुबह होगा बहुत भीड़ होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं सुबह, नेक्स्ट डे दिखाते हैं आप लोग को कैसे क्या होता है, ट्रेन का क्या हाल है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हम लोग भी सो जाते हैं, मॉर्निंग मिलते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग जब ट्रेन में चढ़े तो हम लोग का बैग थोड़ा सब ज़्यादा था, हम लोग 2 ही मेंबर थे तो हम लोग को ट्रेन में चढ़ने उड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसकी वजह से मतलब कि हम तब वीडियो भी नहीं शूट कर पा रहे थे। और जब ट्रेन में चढ़े उस टाइम भी फिर सामान वामान सब इधर उधर रखना, अपना सीट खोजना, तो इसकी वजह से हम लोग फिर खाना भी नहीं खाए थे। और ऐसे मम्मी हम लोग का नाइट का डिनर के लिए दी थी पैक करके फ़िश करी और फिश फ्राई और ये चावल, तो हम और चपाती भी था। तो फिर हम लोग कुछ देर बैठे, सीट उट सब अरेंज किए, उसके बाद जब ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद हम लोग खाना खा रहे थे ताकि अच्छे से खा सकें, क्योंकि जब चढ़े उसके बाद बहुत सारे लोग चढ़े, भीड़ था पूरा ट्रेन में। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा लिए, नाइट का टाइम है, बाहर का नज़ारा देख सकते हो, कुछ भी नहीं दिख रहा। ट्रेन अभी थोड़ा बहुत स्लो ही चल रहा है क्योंकि अभी जस्ट प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। और अभी जस्ट खा वो लिए, सब काम हो गया, तो अभी कि सो जाएंगे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिलते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर आप लोग को दिखाते हैं, क्योंकि अभी तो पूरा 3 डेज़ का जर्नी है और बहुत मुश्किल है स्लीपर में 3 डेज़ का जर्नी करना, क्योंकि अभी जब चढ़े हैं तो ट्रेन बहुत खाली है, लेकिन कल मॉर्निंग तक कितना भीड़ होने वाला है ये नहीं पता, वो मॉर्निंग आप लोग को दिखाते हैं कि कितना भीड़ होगा। तो चलिए फिर मॉर्निंग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए हम लोग का मॉर्निंग हो गया और ये आप लोग नज़ारा देख सकते हो विंडो से। रिसभ भी यहाँ उठ गया और मैं भी फ्रेश होके आ गई। अब हम लोग कुछ भी ऐसे हम लोग बिस्किट सब कुछ कुछ लिए हैं, फ्रूट सब है, वो हम लोग नाश्ता में करेंगे, कर लेंगे अभी कुछ भी। तो गाइस हम लोग रेनू कुंटा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप लोग देख सकते हैं बहुत तेज़ बादल भी गरज रहा है, बारिश बहुत तेज़ है यहाँ पे। तो रेनू कुंटा
और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, कल जब नाइट में ट्रेन चढ़े तो बहुत ज़्यादा खाली था, और अभी आप लोग देख सकते हो ट्रेन का नज़ारा, इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा स्लीपर देख सकते हो यहाँ दूर तक। मैं दिखाने का कोशिश कर रही हूँ, देखिए बाथरूम तक पैर रखने का भी जगह नहीं है। जब भी वॉशरूम जा रही थी ना, पार भी नहीं हो पा रही थी यहाँ से। दोनों साइड का सेम हाल है, और मेरा सीट जो था एकदम मिडिल में था। ये देखिए बाहर का नज़ारा, ये देखिए आफ्टरनून का टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि पूरा धूप है। ट्रेन का ये भी पूरा गर्म हो गया है गर्मी की वजह से। मेरे हस्बैंड ने अपना शर्ट खोल दिए हैं, बैठे हैं विंडो साइड पे। और यहाँ देखिए ऋषभ को एक दोस्त मिल गया था, जब से वो चढ़ा, हम लोग जहाँ मैंगलोर से चढ़े तो वो भैया लोग भी मैंगलोर से ही चढ़े थे, और ऋषभ उनका बेबी के साथ बहुत खेल रहा था, बहुत ज़्यादा। वो मेरी सीट पे कम, उन्हीं के सीट पे ज़्यादा बैठ रहा था, लग ही नहीं रहा था कोई तीन दिन से किन्हीं को पहचान रहा, लग रहा था बहुत पहले से ही पहचान रहे सबको, घुल मिल गया था सबके साथ, और सब भैया लोग भी बहुत अच्छे थे। देखिए मेरे हस्बैंड अभी सो रहे, हम लोग का एक ही सीट था, तीनों हम लोग उसी में एडजस्ट कर रहे थे। नाइट में हम सो जाते थे, डे में मेरा हस्बैंड सो रहे थे, क्योंकि एक सीट पे तो मुश्किल था तीनों एडजस्ट करना। आरएसी था हम लोग का कंफर्म नहीं होता, जो कि दो महीना पहले ही टिकट किए थे, फिर भी कंफर्म नहीं हुआ था, और जाने से एक दो वीक पहले अगर टिकट करते तब तो कैंसिल ही हो जाता टिकट, इसकी वजह से दो महीने पहले ही टिकट किए हुए थे, फिर भी कन्फर्म नहीं हुआ था। सो फाइनली फ्रेंड्स, आज तीसरा दिन है और हम लोग अभी उतरने वाले हैं खड़गपुर में, बालेश्वर के जस्ट बाद खड़गपुर में उतर जाएंगे। दो दिन से बहुत थक गई हूँ, तो जाऊँगी वेटिंग में, पहले फ्रेश हो जाऊँगी, और इसके बाद खड़गपुर से जो झारखंड जाने का ये ब्लॉग है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे डालूँगी, तो आप लोग वेट कीजिएगा, और इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर।